Yeah, good evening everyone. We are discussing quadrilateral chapter for class 9th. In our previous videos we have done till question number 2, exercise 8.1. We'll start with question number 3 onwards. Question number 3 says, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. So my dear students, rhombus proof karna hai to pehle hi aapko rhombus banana hai, ye baat dhyan mein rakhna. वैसे गिवन में ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो ये जो इस पॉइंट को आप ओ मान लीजिए जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एंगल 1, 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, ठीक है ना, ये 90 दिया हुआ है. तो इसके गिवन में मैं लिख देता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस प्रूफ करना है क्लास, और चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है. क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर एंगल 1, 2, 3 और 4 चारों 90 डिग्री आपको गिवन है. आपको प्रूव करना है समहाउ कि ABCD एक रोम्बस है, प्लस समहाउ आपको चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, राइट. तो क्लास ये आपको क्वेश्चन है, ये फिगर है, आप देख सकते हैं. अब प्रूफ ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं दो एडजेसेंट ट्रायंगल ले रहा हूँ, BOA और BOC, ये वाले दोनों आप देख सकते हैं, राइट. इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC, क्लास ये भी दिया हुआ था बाइसेक्ट भी कर रहे हैं डायगनल्स, इसका मतलब ये भी गिवन है कि AO जो है OC पे के बराबर है और BO जो है वो OD के बराबर है, और इसके अलावा ये चारों एंगल भी 90 डिग्री है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. तो क्लास ये दोनों जिस पे मैंने राइट लगाया है BOA और BOC, ये कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं. तो एक हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री हो गया. इसके अलावा AO इक्वल टू OC हो गया. A और OC आपको गिवन था क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहे थे, डायगनल्स को बाइसेक्ट कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल आपस में बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तभी AO और OC इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है. और ध्यान से देखिए OB और OB जो है क्लास वो कॉमन है, यानी कि ट्रायंगल BOA जो है वो कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, BOC के, ठीक है. क्लास ये कॉन्ग्रेंट किससे आ गए, दो साइड है और बीच में एक एंगल है, RHS से नहीं लिख सकते आप, SAS से कॉन्ग्रेंट आ गया ये, राइट. SAS से कॉन्ग्रेंट आ गए तो आप मान सकते हैं AB इक्वल टू BC, राइट. ये वाली जो साइड है AB और BC एडजेसेंट साइड मैंने इक्वल मान ली, ठीक है, ये CPCT से मान ली क्लास. अब दूसरा ध्यान से देखिए, ये जो जिन पे मैंने क्रॉस लगाया AOD और COD, ये दोनों भी सिमिलरली ऐसे कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, दोबारा से कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप लिख सकते हैं सिमिलरली AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, और ये भी SAS से कॉन्ग्रेंट होंगे, राइट. ये वाले दोनों जैसे ये दो हुए थे, ये दो SAS से कॉन्ग्रेंट होंगे, और आप CPCT से मान लेंगे AD और CD आपस में इक्वल है. तो बेटा एडजेसेंट साइड जो है आपकी इक्वल आ गई हैं, ध्यान से देख लीजिए. बस अब आपको एक काम करना है, किसी तरह से अपोजिट साइड इक्वल करनी है, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो काम बन जाएगा, ठीक है ना. तो उसके लिए आपको अब देखो AB BC के इक्वल आ गई है और AD CD के इक्वल आ गई है. अब किसी तरह से अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी. अगर अपोजिट साइड करनी है तो AOB और COD को कॉन्ग्रेंट करना है, ओके. अब ये कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल AOB, ये वाला है AOB और दूसरा है COD. AOB और COD को ध्यान से देखिए, इसमें एक तो एंगल 1 और 3, आप चाहें तो वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों 90 भी लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री, राइट. और ध्यान से देखिए AOB का AO और COD का CO आपस में इक्वल है, ऐसे ही AOB की OB और COD की OD आपस में इक्वल है, ठीक है ना. क्लास ये गिवन ही था कि जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्लास AOB इज कॉन्ग्रेंट टू COD. ये आ गया अपना, ध्यान से आप देखिए, ये भी SAS से आ गया, CPCT से आप मान सकते हैं AB, अपोजिट साइड इक्वल मान लीजिए AB इक्वल टू CD,
ये हमने सीपीसीटी से मान लिया है। इसे क्लास आप नंबर थ्री दीजिए। 1, 2 और 3 तीनों को समराइज कीजिए बाय 1, 2 एंड 3। अगर आप ध्यान से देखें तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ गई, अपोजिट भी इक्वल आ गई, इसका मतलब चारों इक्वल होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसकी चारों साइड इक्वल हैं और जिसके डायगनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है कि वो क्या होता है, रॉम्बस होता है। तो इसका मतलब है ए बी सी डी आपका रॉम्बस आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से शॉर्ट समरी दे दूँ, पहले ए ओ बी और सी ओ बी को कॉन्ग्रेंट किया एस ए एस से, सी पी सी टी से माना ए बी इक्वल टू बी सी, ऐसे ही ए ओ डी और सी ओ डी को कॉन्ग्रेंट किया है, सी पी सी टी से माना है एस ए एस से कॉन्ग्रेंट किया, सी पी सी टी से ए डी इक्वल टू डी सी, फिर ए ओ बी और सी ओ डी भी एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हुए हैं और ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड इक्वल मानी है, फिर इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 दिया है, समराइज किया है, तो हमारा ये रोम्बस आ गया है। क्लास नेक्स्ट वी हैव इस, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको ट्राई करना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ क्लास आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शो दैट इफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो क्लास पहले ही आप स्क्वायर बना लीजिए, पर दिया आपको क्वाड्रिलेटरल हुआ है राइट, पर आप पहले ही स्क्वायर बना लीजिए और नेमिंग का बड़ा ध्यान रखना, जैसे मैं नेमिंग दे रहा हूँ वैसे ही दीजिएगा ए बी सी डी। अब क्लास गिवन की बात करते हैं, पहले इसका अच्छे से गिवन लिख लेते हैं। इसमें डायगनल इक्वल है क्लास, तो पहले ही मैं लिख रहा हूँ इन क्वाड ए बी सी डी डायगनल होंगे इसके ए सी और बी डी, डायगनल आपको इक्वल गिवन है और बाइसेक्ट भी एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब कि ए और ओ सी बराबर है क्लास हाफ ऑफ ए सी के, और हम कह सकते हैं बी ओ और ओ डी बराबर है हाफ ऑफ बी डी के। और क्लास इसे मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 दे रहा हूँ, अभी मैं इसे समराइज भी करूँगा, ये जो गिवन में मैंने लिखा है ओके इक्वल भी है, बाइसेक्ट राइट एंगल पे भी कर रहे हैं क्लास, तो ध्यान रखिएगा ये चारों जो एंगल हैं, एंगल ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी, ये चारों हमें 90 भी दे रखे हैं राइट। क्लास में एंगल की नंबरिंग दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्लास ये इसका मतलब है डायगनल 90 पे कर रहे हैं, मतलब एंगल 3, 4, थोड़ा सा फिगर पे जूम कीजिए, 3, 4, 5 और 6 चारों एंगल हमें 90 डिग्री भी गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है क्लास कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो फिर वही रोम्बस प्रूफ करना है, पहले ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, चारों साइड पहले आपको इक्वल प्रूफ करनी है और चारों एंगल भी 90 होने चाहिए। तो क्लास ध्यान से देखिए इसका प्रूफ, मैं फिर से बता दूं, डायगनल्स इक्वल गिवन थे, डायगनल इक्वली बाइसेक्ट भी कर रहे थे और परपेंडिकुलरली भी बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले आप ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रेंट कीजिए इन ट्रायंगल, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोम्बस किया था ना वैसे ही करना है। ए ओ बी और सी ओ डी को देखिए, ये वाले दोनों का ए ओ बी और सी ओ डी ध्यान से देखिए, एंगल 3 और 4 ईच 90 डिग्री गिवन, इसके अलावा ओ ए इक्वल टू ओ सी भी गिवन है और ओ बी इक्वल टू ओ डी भी गिवन है, ये भी गिवन था कि डायगनल आपस में इक्वली बाइसेक्ट कर रहे थे। तो ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, ठीक है, एस से कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। क्लास जब कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे तो आप सी पी सी टी से मान सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपने सी पी सी टी से मान लिया, इसे नंबर 4 दे दीजिए। क्लास जैसे ए बी इक्वल टू सी डी माना है, वैसे ही अगर आप ए ओ डी और बी ओ सी ये भी आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ऐसे, दोबारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जैसे ऊपर कॉन्ग्रेंट किया बिल्कुल वैसे ही कॉन्ग्रेंट करके इसकी अपोजिट साइड इक्वल मान लो। तो मैंने मान लिया ए डी इक्वल टू बी सी, क्लास ये भी मैंने सी पी सी टी से मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 5 दीजिए ओके। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर एक दो चीज़ें मान सकते थे, तो जब ए ओ बी और सी ओ डी
कॉन्ग्रेंट किया है, तो मैं एक चीज और भी मान सकता हूँ। एक तो मैंने ये बी इक्वल टू सी डी माना है, और क्लास में एक एंगल वन इक्वल टू एंगल टू भी मान रहा हूँ। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू का मतलब है कि एंगल डी सी ए और बी ए सी को भी इक्वल मान रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे जब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आपका सी पी सी टी से आ गया, पर अगर आप ध्यान से देखें बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, तो देयर फोर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी भी है। तो क्लास अब ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी भी आ गई और इक्वल भी आ गई। और ऐसे ही जब दूसरा आपने ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी को कॉन्ग्रेंट किया है, तो आप ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी मान सकते हैं। इसे आप इकट्ठा ले सकते हैं, इन्हें मैंने नंबर फाइव और यहीं पर इसे आप बेशक सिक्स दे दीजिए। अगर आप फोर फाइव सिक्स, अब अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और पैरेलल आ गई हैं, तो अगर आप सबको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम आ गया। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो बेटा अगर कोई पैरेललोग्राम जिसके डायगनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो रोम्बस होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और रोम्बस के डायगनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं करते हैं। पर यहां मैंने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि डायगनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आ गया ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब ए बी सी डी रोम्बस आ गया क्लास। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल लेने हैं ए बी डी और ए बी डी और ए बी सी। ध्यान से देखिए क्लास, इन ट्रायंगल ए बी डी, फिगर पे जरा फोकस करना, ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें ए बी डी और ए बी सी को, तो आपका ए बी तो कॉमन है, बेस दोनों में कॉमन है, और आपको डायगनल शायद इक्वल भी गिवन थे क्लास, अगर याद होगा ए सी और बी डी आपस में इक्वल गिवन थे। और तीसरा रीजन अगर आप देखें, एक डायगनल एडजेसेंट साइड ए बी इक्वल हमने लिया है ए बी डी और ए बी सी, डायगनल इक्वल थे, एक ये कॉमन था, और एक एडजेसेंट साइड ए डी और ए बी भी आपस में इक्वल थी। ओके, अगर एडजेसेंट साइड, ये ए डी और ए बी को ध्यान दीजिए, ए डी और ए बी आपस में इक्वल गिवन थी। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि क्वाड्रिलेटरल के डायगनल इक्वल थे, बाइसेक्ट भी कर रहे थे राइट एंगल पे, देन इट इज अ स्क्वायर। ये ए डी और ए बी हमें समहाउ ना इक्वल करना है। इसके लिए फिर बेटा एक काम करेंगे, एक काम और कर सकते हैं हम, यहां पर पहले ही ए बी ओ और ए और या ए ओ बी और इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एडजेसेंट भी इक्वल चाहिए होंगी। आई रिपीट, ए ओ बी और ए ओ डी को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। देखो ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन है, ये एंगल 3 और एंगल 5 ईच 90 डिग्री है। फिगर पे प्लीज फोकस कीजिए, जूम कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूँ, साथ साथ वाले एडजेसेंट। बी ओ इक्वल टू ओ डी भी गिवन है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से ये गिवन था, तो क्लास ए ओ बी जो है कॉन्ग्रेंट आ गया था ए ओ डी के। और अगर ये कॉन्ग्रेंट आ गए, ये कॉन्ग्रेंट हो गए ऐसे ऐसे, तो आप मान सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी। तो ये ए बी इक्वल टू ए डी क्लास, पहले यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर लेना सी पी सी टी से, फिर यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, ए डी इक्वल टू ए बी। तो आप देखेंगे कि आपका ए बी डी, ये वाला ए बी डी और ए बी सी जो है आपस में क्या आ जाएगा, ये किससे आ गया, ये भी देखिए ट्रिपल एस से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए क्लास। अब सी पी सी टी से आप ये दोनों एंगल, एंगल ए और बी इक्वल मान लीजिए, कहने का मतलब है एंगल बी ए डी यानी कि एंगल ए
और एंगल ए बी सी यानी कि एंगल बी, ये हम सी पी सी टी से इक्वल मान लेंगे। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसे नंबर दे दीजिए 7, ठीक है, अब क्लास या ठीक है 7 दे दिया। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ऑलरेडी पैरेललोग्राम था या रोम्बस था, आपको पता ही है कि बात है। यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम था क्लास, तो इसका मतलब है ए डी पैरेलल टू बी सी था और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल, अगर आप ध्यान से देखें तो, यानी कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी का जो सम है वो 180 है। आप को इंटीरियर को एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसे नंबर 8 दीजिए, बस 7 और 8 को कंपेयर कीजिए, तो ये दोनों एंगल बी ए डी और ए बी सी दोनों जो है 90 ईच आ जाएंगे। अब क्लास दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जैसे इसका मतलब क्या है, बी ए डी का मतलब है एंगल ए और ए बी सी का मतलब है एंगल बी, जैसे ये 90 आ गए वैसे सी ओ डी भी 90 आ गए। तो बेटा रोम्बस तो पहले ही था और अब 90 भी आ गए सारे एंगल, तो एवरी रोम्बस हुज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज अ स्क्वायर, ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। क्लास थोड़ा सा टिपिकल है, एक एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं इस एक्सरसाइज के, तो प्लीज ध्यान से देखिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, किया गया हमने सबसे पहले ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रेंट किया है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हुए हैं, ए बी इक्वल टू सी डी भी मान लिया और पैरेलल भी मान लिया। पैरेलल कैसे आया, 1 इक्वल टू 2 है, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो करके पैरेलल आ गए। ऐसे ए ओ डी और बी ओ सी को देखें तो ए डी पैरेलल टू बी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा, जैसे कि पहले वाले पेयर में किया वैसे दूसरे में। फिर ये साथ साथ वाले ए ओ बी और ए ओ डी कॉन्ग्रेंट किए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं और ए बी इक्वल टू ए डी मान लिया, तो एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है वैसे ही वो रोम्बस हो गया, राइट। इसके बाद क्लास ए बी डी और ए बी सी को कॉन्ग्रेंट किया है और ट्रिपल एस से किया है और एंगल ए इक्वल टू बी मान लिए, और ये दोनों को इंटीरियर भी हैं इसलिए इनका सम 180 होगा, ए और बी 90 आ जाएंगे, सिमिलरली सी ओ डी 90 आ जाएंगे, तो एक ऐसा रोम्बस जिसके चारों एंगल 90 डिग्री है इज अ स्क्वायर। सो क्लास छोटे छोटे करके वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोग भी समझ सकें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मैंने डिस्कस किया। अब इसकी पिक्स भी मैं अपलोड करूंगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।